नमस्कार दोस्तों, असीम संभावनाओं के आकाश क्वांटम फील्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसा विज्ञान जो कि बताता है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, जो कि यह भी बताता है कि आप इस ब्रह्मांड से जो चाहे वो मांग सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो। आपका पात्र छोटा पड़ जाएगा, लेकिन इस ब्रह्मांड के देने की क्षमता कभी क्षीण नहीं होगी। दोस्तों, अगर किसी कार को दिल्ली से जयपुर तक जाना है तो उसमें अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर की है तो कितने घंटे लगेंगे, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी इंसान को अगर 5 किलो वजन कम करना है तो उसे कितनी कैलोरी लेनी पड़ेगी और कितना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं करता कि किस तरह से एक लो आईक्यू का आदमी, जिसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, वो मशहूर वैज्ञानिक बन गया। एक ऐसा आदमी जिसको कि बिजनेस की एबीसी तक नहीं पता थी, उसने 6 महीने में ऐसी कंपनी खड़ी कर दी कि 1000 इंप्लॉय उसके अंदर में काम करते हैं। कैंसर का स्टेज 4 पेशेंट, जिसे डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारी मौत 6 महीने के अंदर होगी ही, उसने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया। इसके लिए हमें न्यूटन के प्रेडिक्टेबल मॉडल को छोड़कर, जहां की हर चीज का अनुमान लगाया जा सकता है, हमें क्वांटम फिजिक्स के मॉडल को समझना पड़ेगा। एक ऐसा विज्ञान जो कि ये बताता है कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो ही हमें भी ढूंढ रही है, जो कि ये भी बताता है कि हम किसी बाहरी ताकत या भाग्य के विक्टिम नहीं, बल्कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और जो भी हम चाहें अपने माइंड से लगातार इस यूनिवर्स के सहारे क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वांटम फिजिक्स के वो प्रिंसिपल, जिसको समझकर आप भी एक क्रिएटर बन जाएंगे, और आपको वो टेक्निक भी लास्ट में दूंगा जिसके सहारे कि आप क्वांटम मॉडल से इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी महानता पे, ग्रेटनेस पे यकीन करता है, और जब आप अपनी महानता पे पूरी तरह से यकीन करेंगे तभी आप कुछ महान काम कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम फील्ड है क्या। क्वांटम फील्ड को जैसा कि वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया है, वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की एक ऊर्जा की फील्ड है जिसमें हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये ऊर्जा हमें सारे क्रिएचर से जोड़ती है और ये ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे बाहर, हर जगह मौजूद है। ये ऊर्जा कोई भी रूप ले सकती है, ये ऊर्जा जिस चीज़ का चाहे उस चीज़ का निर्माण कर सकती है। ब्रह्मांड की सारी चीज़ें इससे ही निकलती हैं और सारी चीज़ें अंत में इसमें ही लुप्त हो जाती हैं। मैक्स प्लैंक ने इसको मैट्रिक्स कहा था और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको भगवान का दिमाग या गॉड्स माइंड ऐसे नाम दिए हैं, क्योंकि ये सच में जादुई है। लेकिन ये ऊर्जा कैसे शेप लेती है, किस तरह से पदार्थ में कन्वर्ट होती है, इसके लिए हमें अगले लॉ को समझना पड़ेगा, जो कि कहता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अगर हमें कोई झोपड़ी मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, और हमें कोई अगर महल मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। साइकिल को पाकर हम उतने खुश नहीं होते, लेकिन एरोप्लेन को पाकर हम खुश होते हैं। लेकिन चाहे साइकिल हो या एरोप्लेन, चाहे वो हीलिंग हो चाहे वो बीमारी हो, इन सब को अगर डीप में देखा गया तो देखा गया ये सब एटम से बनते हैं, और एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनते हैं। और ये पार्टिकल्स अगर डीप में देखा गया तो ये ऊर्जा का ही समूह है, ऊर्जा की ही वाइब्रेशन है। कहने का अर्थ ये कि इस ऊर्जा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे 1 रुपये बनाना चाहते हो या 1 अरब रुपये बनाना चाहते हो, कोई साइकिल बनाना चाहते हो या फिर एरोप्लेन बनाना चाहते हो। ये ऊर्जा उतनी ही पोटेंट है, उतनी ही सक्षम है, ये किसी चीज़ का भी निर्माण कर सकती है। इसलिए आपकी कोई सीमा नहीं कि इस यूनिवर्स से आप क्या मांग सकते हो, इस बात की भी सीमा नहीं है कि आप इससे कितना मांग सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी पात्रता, आपकी फोकस पर डिपेंड करता है। इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव किया, जिन्होंने कि ये दिखाया कि ऊर्जा जब चाहे मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर ऊर्जा में भी कन्वर्ट हो सकती है। और दोस्तों, हमें जो भी चाहिए, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो एक अच्छा स्वास्थ्य है, ये सब मैटर है। इसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ऊर्जा का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इसे मैटर में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा तीसरा लॉ, जो कि है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। दोस्तों, हमने समझ लिया कि ऊर्जा कोई भी रूप ले सकती है, लेकिन अगर ये ऊर्जा ऐसा रूप ले ले जो कि हमें पसंद ही नहीं, तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे, बेरोजगारी आएगी, हमारे रिश्ते खराब होने लगेंगे, हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आखिर ये ऊर्जा
कैसे रूप लेती है, क्या इसका हमारे माइंड से कोई कनेक्शन है, अभी समझते हैं। वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो पार्टिकल या मैटर बन जाता है, पदार्थ बन जाता है, और जब हम उसे नहीं देखते हैं तो वो वेव बन जाता है या ऊर्जा बन जाता है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम अपने माइंड से अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करें या किसी एक पॉइंट पे फोकस करें तो यूनिवर्स उसको रेस्पॉन्ड करता है और ऊर्जा को मैटर में कन्वर्ट करना, तब्दील करना शुरू कर देता है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम अपने माइंड को सकारात्मक चीज़ों पे फोकस करके रखें, उसके लिए इमोशंस फील करें, तो हमारी वाइब्रेशन वैसी हो जाएगी, और जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वो क्वांटम फील्ड से इंट्रैक्ट करेगी और उसी तरह के रिजल्ट्स हमारे लिए लेकर आएगी। तीसरा कंसेप्ट जो कि हमें हमारे मैनिफेस्टेशन से रोकता है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा गोल तो अभी इतना दूर है, इसे हमारे पास आने में कितना समय लगेगा और इस दूरी को किस तरह से हम कम करें। तो इसे समझने के लिए आपको एक और मॉडल समझना पड़ेगा, एटॉमिक फिजिक्स का। न्यूटन के मॉडल में हर चीज़ प्रेडिक्टेबल है। एक सेब अगर आसमान से गिरता है तो डिस्टेंस के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसे इतना समय लगेगा। लेकिन एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब देखा गया तो वो लीनियरली नहीं चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो एक जगह गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं, और ये सब इंस्टेंटली होता है। कहने का अर्थ ये कि आपका गोल चाहे टाइम में या स्पेस में कहीं पे भी लोकेटेड है, अगर आप अपने माइंड को सही से यूज़ करना जानते हैं तो आप इंस्टेंटली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि एक साधारण सा इंसान करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, बीमारियाँ तुरंत ठीक क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए आपको अपने ब्रेन को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप अपने ब्रेन को उस कोहरेंट स्टेट में ले जा सकते हैं, उस स्टेट में ले जा सकते हैं जहाँ की आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल जो आप रिजल्ट चाहते हो उससे मैच कर रही है, तो मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा मोनेस्ट्रीज में कि आश्रम में गुरुजी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने ये देखी है, उन्होंने इंटेंशन डाला और तुरंत कुछ ऐसा हुआ कि पैसे अपने आप आ गए। कई बार आपने देखा होगा कि आप भूखे महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कुछ खाना चाहिए, और अचानक आपका एक दोस्त आपसे मिलने आ जाता है और दो समोसे लेकर आता है और कहता है कि चल एक तू खा एक मैं खाता हूँ। ये सब भी क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है। आपने छोटे मैनिफेस्टेशंस किए, लेकिन अगर आप अपने माइंड को यूज़ करना जानते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि क्वांटम मॉडल टाइम को स्पेस को कोलैप्स करके आपको आपके गोल से इंस्टेंटली मिलवा सकती है और आप अपने माइंड को उस लेवल पे फोकस कर सकते हैं, तो आप जो चाहें उस रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि हम उस ऊर्जा के समंदर से घिरे हुए हैं जहाँ कि हमारे सपनों की दुनिया एक संभावना के रूप में मौजूद है, लेकिन ये संभावना हकीकत में तभी तब्दील होंगी जब कि हम अपने माइंड का इस्तेमाल करना सीखेंगे और इस क्वांटम फील्ड से जुड़ना सीखेंगे। अब इस क्वांटम फील्ड से हम कैसे जुड़ें, इसको कैसे कमांड दें, इसे समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी लाइब्रेरी को ज्वाइन की है? लाइब्रेरी की किताब लेने के लिए सबसे पहले आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है। उसके अलावा उसकी वहाँ अपनी कुछ रूल्स होती हैं कि इस ड्रेस में आओ, इतने से इतने टाइमिंग के बीच में आओ, शांति से बैठो, आई कार्ड को पहन कर आओ, वगैरह वगैरह। और एक बार जब आप इससे जुड़ जाते हैं तो यहाँ के संसाधनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी फैमिली बन जाएंगे, यहाँ की किताबों को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मॉडल हमें क्वांटम फील्ड के साथ भी इस्तेमाल करना है। अभी हम पदार्थ हैं, हम स्थूल हैं, हमारी वाइब्रेशन लो लेवल पे है, और क्वांटम फील्ड एनर्जी की फील्ड है, इसकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई लेवल पे है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ हमें लो वाइब्रेशन में रखती है वो है हमारा इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट में जो भी हमारे लोग हैं, हमारी दुनिया है, हमारे सामान हैं, ये हमारे माइंड में एक खास तरह के थॉट्स बनाते हैं। ये थॉट्स कुछ खास भावनाएं लाती, ये थॉट्स कुछ खास तरह की फीलिंग लाती हैं, और ये हमारे वाइब्रेशन को बनाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर क्वांटम फील्ड से जुड़ना है तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे ही हम इनसे डिस्कनेक्ट होंगे, हमारे जो मन में विचार हैं वो विचार रुकने शुरू हो जाएंगे, और तब एक संभावना बनती है कि हमारा मन किसी नए विचार को क्रिएट कर सकता है और हम अपने वाइब्रेशन को उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है कि आप अपने सेंसेस को विथड्रॉ करें और प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर हो जाएं।
आप अल्फा मेडिटेशन कर सकते हैं, अनापान सती कर सकते हैं, कोई सा भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, आप जो भी नोन है, जिस चीज़ के साथ आप घिरे हैं, जहाँ पे भी आपका फोकस है, उस फोकस से आप आज़ाद हो गए और अब आपके पास एक क्षमता है कि आप इस ब्रह्मांड से जुड़ सकें, क्वांटम फील्ड से जुड़ सकें। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको अपने वाइब्रेशन को और मजबूत करना है। इसके लिए आपको अपने हार्ट को कोहरेंट स्टेज में लेकर जाना पड़ेगा। हार्ट कोहरेंस सीखनी पड़ेगी, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, किसी ऐसे इंसान को याद करना पड़ेगा जिसे कि आप प्यार करते हैं, या फिर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। जब भी आप ऐसा 2 मिनट के लिए करते हैं, आपकी एनर्जी उठनी शुरू हो जाती है। जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक भावनाएँ होती हैं, वो सब के सब शांत होनी शुरू हो जाएंगी। और तीसरा स्टेप ये है कि आप क्लियरली ये डिसाइड करो कि आखिर आपको चाहिए क्या। किसी एक छोटे से गोल पे पहले फोकस करो और धीरे धीरे आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप एक नई वाइब्रेशन अपनी बॉडी से, अपनी ऑरा से इमर्ज कर रहे होंगे। इस नई वाइब्रेशन को ब्रह्मांड सेंस कर लेने लगता है। आपने कई बार भीड़ में देखा होगा कि आप किसी इंसान को देख रहे हैं लगातार, और थोड़ी देर के बाद वो पलटता है, वो भी आपको देखना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, वही चीज़ आपको भी ढूंढ रही है। तो अब आपको अपने माइंड में क्लियरली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, और अपने माइंड को वही फोकस करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को किसी खास गोल के लिए सेट कर रहे हैं, यूनिवर्स को ये आदेश दे रहे हैं कि क्वांटम फील्ड की ऊर्जा को उस गोल में मैटेरियलाइज कर दो। और ये वो मोमेंट होगा जबकि कोलैप्स इफेक्ट होगी, टाइम और स्पेस को क्वांटम फील्ड कोलैप्स करके जो भी आपका गोल है उसको रियलिटी में चेंज कर देगा। दोस्तों, इस पे मैं और भी ज़्यादा एडवांस्ड वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल से अभी के अभी जुड़ जाएं। आपने अभी तक क्या सीखा ये कमेंट करके मुझे लिखकर बता सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। दोस्तों, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, सारी की सारी बहुत इन्फॉर्मेशन वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे फ़ायदा लें। थैंक यू।